फ्रेंड्स और फैमिली ब्लॉग चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छी होंगी, स्वस्थ होंगी। आज है 6 फरवरी और केवल 3 दिन बचे हैं शादी में। और आज मुझे फील हो रहा है क्योंकि मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे यहाँ क्या क्या चल रहा है। अभी फिलहाल तो मैं दाल बना रही हूँ सुबह उठे और बस पता ही है आपको, हम सभी का तो किचन में होता है आना। हम सभी उठ के चाय पी के बस खाने में लग गए हैं। तो मैं बना रही हूँ दाल और भाभी लगा रही थी आटा। सभी को ना कलर करना है बालों में, तो उसकी तैयारी होनी है, इसलिए ना जल्दी जल्दी खाना बनने लगा है। और हम लोगों को भी शाम को फेशियल कराने जाना है। सारे काम ना टाइम से करने पड़ेंगे ना, तभी सारी चीजें हो पाएंगी ना मैनेज। तो बस अभी मैं दिखाती हूँ आपको कि मेरे यहाँ क्या क्या हो रहा है। मम्मी भाभी सभी ने किया कलर, फिर मैंने नहाया। नहा के मैं आ गई हूँ नीचे जहाँ पर ना डला बन रहा ना, वहीं बस सारी चीज़ें बन गई हैं, गुजिया बस रह गई है। तो मैं उसके लिए भून रही हूँ खोआ। खोआ भून लेते हैं ना तो ख़राब नहीं होती है। तो बस इतना सारा मैंने खोआ भून कर आंटी ने आटा लगाया और अब हम सभी मिलकर बनाएंगे गुजिया। ब्लाउज सिलकर आ गए हैं फ्रेंड्स और लूज है तो हमारी देवरानी ब्लाउज पर सिलाई डाल रही है और देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। और इतनी सारी बलून्स, वाओ देखो आज का ब्लॉग। आज है 6 फरवरी और सिर्फ 3 दिन बचे हैं शादी में। जोर लगा के आई सा आपको ब्लॉग में फुल टू एंजॉय देंगे हम लोग। हाँ आप जरूर देखना और प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। वीडियो को लाइक नहीं करते, वीडियो को भी लाइक किया सब्सक्राइब चैनल बढ़वाइए। फूल फूल और क्या हो रहा है दीदी बताओगी? गुब्बारे फूल रहे हैं। नहीं वही सरप्राइज है अभी। हाँ अभी सरप्राइज है। हाँ अभी नहीं खोलेंगे। और अब हम सभी रेडी भी होंगे, देखते हैं क्या पहनना है। अभी कुछ क्लियर नहीं है, थीम रखा गया है कुछ और देखेंगे। इनकी इनकी अलग ही तैयारी। मैडम का फेशियल होकर आ गया है, अभी मैं जाऊंगी, कल जाऊंगी मैं। और मेरे ब्लाउज भी सिलकर आ गए हैं, देख सकते हैं आप। इतने सारे मेरे ब्लाउज भी सिलकर आ गए हैं और मैंने देख लिए हैं। अब लग रहा है आपको शादी जैसा कि शादी है? बिल्कुल। सुबह से गई है मार्केट लगेगा ना साइड में भी लगा देना ना पूरा। हाँ साइड में लगेंगे ना। मम्मी और बड़ी मम्मी आ गई हैं घर से और आप देख सकते हैं कितना सारा सामान लेकर आई हैं, दूध मठा। दीदी भी आ रही है खेप लेकर। हम लेते आ रहा हूँ सामान आ रहा है। ये शादी की तैयारी का कम सामान है। कम सामान है और है नीचे और है नीचे। भाभी कह रही मुझे बना लू तो क्या कर दे उनको से माने जा रहा है। अच्छा तो वीडियो में तू ये लूटा जा रहा है यहाँ सरासर सरासर लूटा जा रहा है। भैया सामान तो ले लंदो अंकी अब वापस दो माँ। ओ भैया तुम कहाँ जा रहे भाई? अबे तुम तो जा रहे थे बारात में जा रहे थे। जा रहे तो ये चाबी ले ले यहाँ। फ्रेंड्स रात के खाने से फ्री होकर अब हो रही हूँ मैं रेडी।
क्योंकि ना हम सभी ने एक छोटा सा फंक्शन रखा हुआ है घर पर, हल्दी मेहंदी फंक्शन नहीं है, वो कल होगा। एक छोटी सी पार्टी रखी हुई है, भाभी और ननन बस उसमें रहेंगे और दीदी की थोड़ी सी फ्रेंड्स रहेंगी। मैं पहनने वाली हूँ ये रेड साड़ी, ये मैं शादी में लेकर आई थी, काफी पुरानी साड़ी है। क्या करें, इतनी साड़ियाँ रखी हैं, समझ ही नहीं आ रहा था क्या पहनूं, तो मैंने सोचा मैं ये साड़ी पहन लेती हूँ, ऐसे ही यूज होंगी ये सारी साड़ियाँ, नहीं तो वो रखी रहेंगी। तो काफी पुरानी साड़ी है, शायद फैशन भी आउट हो गया है उसका, बट मैंने कहा घर पे ही फंक्शन है छोटा सा, तो मैं ये पहन लेती हूँ। फाइनल लुक आपको तैयार होने के बाद देखने को मिलेगा। मैं हो गई हूँ रेडी, मैं आपको दिखाती हूँ अपना फाइनल लुक। ये है मेरा फाइनल लुक। मेरा शायद थोड़ा सा गंदा है, पीछे से भी लाइट आ रही है लेकिन आप देख सकते हैं मैं इस तरह से रेडी हुई हूँ, और ये मेरी रेड साड़ी रखी थी। मैं सिंपल रहना ज़्यादा पसंद करती हूँ, और आप देख ही चुके हैं मेरा फाइनल लुक। मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ मैं ज़्यादा तैयार नहीं हुई हूँ क्योंकि कल मेहंदी फंक्शन है, उसमें भी रेडी होना है और शादी में भी रेडी होना है, तो ना बहुत ही ज़्यादा ओवर हो जाता है। देखते हैं आगे क्या क्या होने वाला है, क्योंकि मुझे भी पता नहीं है दीदी लोगों ने क्या सोच कर रखा है। बस बने रहिए मेरे साथ। ये देखो इनके इनके वीडियो भी बन रहे, इनके पोज भी हो रहे हैं, उसी में हाई भी हो रहा लगेगा कि हाँ गा रहा है कोई। अरे यार दीदी, आप सब लोगों के बाल अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू, वेलकम। भाभी आप और करवा लो, आप वो करवा लेना मशीन यहीं पे घर पे, आप अपने बालों पे अच्छे लगेंगे, अच्छे हैं आपके लंबे बाल। उस दिन तो पार्लर पे जाएंगे ना, तो वो जूड़ा बनेगा। आनी लेना, हम वीडियो ही बनाते रहे, पता चले हम वीडियो बनाते ना। उंगली में लगो आपकी तो उंगली हाथी हमारे को वे हाथी। देखो कैसे छुप छुप के केक खा रहा है, आया चैन नहीं है बिल्कुल, चटोरियों की तरह। देखो 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 फ्रेंड्स, इनके फैंस अच्छी तरह से देखो, कितनी चटोरी है ये, देखो 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 कैसे देखो। हाँ तो फिर रख के भैया, यहाँ तो भैया देखो लो, आपको भी खिला दे रहे हैं। थैंक यू दीदी, बात बहुत गजब की लग रहा है। टेस्टी है ना, मजे आ गए। लेकिन आप नहीं चला सकते ना वीडियो में। यह छोटी सी पार्टी जिसमें हम सभी ने बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया, फ़ोटो क्लिक की एंड डांस किया। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।